हम सुबह आए थे, तो सुबह आए तो मैं तो वैसे जयपुर जा रही थी, लेकिन रिंकू आया था यहाँ, ताला भागा तो लग रहा था, या इन्होंने खोला, ये अंदर का खुला था इधर का, ये अंदर गया तो मेरे को फोन किया, मतलब ताले वगैरह सब टूटे हुए हैं। मैंने फिर भी मजाक समझी, मैं क्या मजाक कर रहा है ये, तो बोले नहीं मम्मी तेरी कसम ताले टूट चुके। तब मैं घूम चक्कर से पैदल पहले हम दोनों बहनें आई वापस, यहाँ देखा तो सामान पूरा निकल हुआ था हमारा, अलमारी वगैरह सब के ताले सब सब टूटे हुए थे, ये सब खुले। क्या क्या ले गए, थोड़ा आइडिया आया क्या? हाफ शीट थी, हाँ, और दो चेन थी, दो जोड़ी कानों के थे, 10 पायजेब थी, और 10,000 रुपये थे। बच्चों का गुल्लक भी तोड़ लिया, हाँ गुल्लक भी टूटा हुआ पड़ा है, देख लो कमरे में, उसमें भी कम से कम देख डालते थे तो 2,500-3,000 रुपये तो कम से कम होंगे होंगे। आप कहाँ गए थे? हम मेरी बहन के हनुमान कॉलोनी में गए थे हम, मैं परसों गई हुई थी, लेकिन कल सुबह ये सब आए थे, नहा धो के वापस चले गए थे ये, तब तक कोई आशा नहीं हुआ था, यहाँ सुबह आए तब रात का हुआ हुआ है। चाबी खुल गई, ये चाबी तो बहुत बड़ी भी ताला की है, चाबी तो बाहर नहीं थी, बाहर बाहर का ताला है, समझ नहीं आ रहा, कोई एक ताला, झटका से दी और है ये जमीन आराम से ना, मेरे तो इतना बड़ा पिक्चर का ताला था, कोई मेरा तोड़ा तो मेरा तो गेट भी मतलब खराब हो गया था तोड़ने से, तो बहुत जासे खुले गए समझ में भी कोई आ रही की अड़ंगो हो रहा है, ये बच्चा रात ने कोई आपकी मावसी के घर गया, घर आके देखा सुबह 6:30-6:30 तो आंखों मतलब बक्सागार बंगसा का लोक टूटे रही, और बात थे वीडियो का माने अभी देख भी सको, चांदी और सोना को जो भी हो मटेरियल वो तो पूरों को पूरा लेगा, और गुल्लक भी छोड़े को नहीं, भगवान के नीचे के है कि बच्चा को गुल्लक हो भी गुल्लक ने भी लेगो को नहीं, प्रशासन से आई उम्मीद करा कि जल्दी से जल्दी आ चोरा ने पकड़ा जाए, और आंखों जो भी गए है वो बरामद करो जाए, बिल्कुल एकदम से आर्थिक स्थिति यानी जोर की है को नहीं आ कि ये बच्चा मेरे पास ही काम करता है, जो रिंकू है लड़का ये मेरे पास ही काम करता है, बहुत मेहनत मजदूरी से ये घर बना है, अभी जो भी आज तक का जो भी था इनके पास डिपॉजिट था वो पूरा का पूरा ले गए, अब इससे ज़्यादा क्या कहें, आप भी देख रहे हो आपके सामने सब कुछ है, तो ये एक नहीं है ये वो तो पड़ोस का माने कैमरो लाग रहे, अभी जाके आया हमें तो अभी लाइट को नहीं, लाइट को ही सुझा रहे, लाइट आने के बाद में भी का माने देखा, अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो प्रशासन ने हमें ज़रूर उपलब्ध करवा सकें, जो भी रिकॉर्डिंग में हुई है दाएँ बाएँ जो भी घर के कैमरा ही माने देख के बाकी रिकॉर्डिंग चेक करके जो भी कमान आसी वो मैं प्रशासन ने पुलिस ने उपलब्ध करवा दी सकें। एक आउटसाइड की लेबर भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो बाकी कोई वेरीफिकेशन वगैरह कोई वेरीफिकेशन को नहीं है साहब, आउटसाइड की लेबर है जबकि चारों मेर रामदेव जी खूब सारा रवे है, बठिने धर्मकाटा का आगे की साइड में खूब रवे, चारमेर स्टेशन पे नहीं तो गला मार्केट का नहीं खूब रवे, खूब खूब रवे बाकू कोई को नहीं, लगभग लगभग दिन में तो क्या है कि है मतलब के टाइप को काम करें हैं नहीं करें वो तो राम जाने, लेकिन ज़्यादातर वारदातों का मान यही संलिप्त रहे, तो आपका भी कम से कम वेरिफिकेशन वगैरह बिल्कुल होना चाहिए, आपका आपकी थोड़ी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए कि ये कौन ही कठेंगा, ये खाना दोस्त आदमी हैं तो कठेंगा ही कहीं ऐ लगभग लगभग वारदात करें, और ये टाइम तो रोज़ गाँव का मान मैंने पूछवा की जरूरत कह रहे साहब अखबार में आप देखो ना रोज़ चोरी हो रही है, आस पास चोरी हो रही है, तो कोई आपको
सकता है से कोई काम करो जाओ देखो साहब। सुबह आयो है मम्मी ने कोई मम्मी की दादी जी खत्म होगा ना, मैं रेलवे स्टेशन आया तो मैं घरा भी चला घरा कर देखा था मेन गेट को तो तालो लाग रहे माइनस से तालो तोड़ लियो तो अलमारी बक्सा सब खिंडेड़ा मैं आया था तो पीछे कितने बजे की वारदात है? मैं तो बाहर आकर देखा 5:30 बजे आयो मैं तो 5:30 बजे तो तक गेड़ा था दिन मौसी के बड़े रहता है दादी ना ना काल ही तो गया था अजी माऊ से आईडी तो लगभग कितना रुपए भाई आईडी है दना तो बड़े ही चलना तो मम्मी की तो लगभग सारी ज्वेलरी लेगा। हां सारी ज्वेलरी लेगा है ना और बच्चों को गुल्लक केस भी लेगा 10-15 हज़ार का केस पड़ा तो पुलिस ने सूचना दे दी रिपोर्ट लेकर वो गई है पुलिस अपना काम कर रही है मौका मुआयना आईडी देख समय में सूचना मिली है मौके पर है कोई थी 2018 में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ कोई सुराग का पता नहीं चला। कितनी बड़ी चोरी हुई थी? मेरे 15-20 लाख की चोरी हुई थी गोल्ड वगैरह और चांदी के 40 सिक्के पायल 15 जोड़ी गले का कान का अंगूठी मतलब 2 लाख केस थे बहुत सामान गया मेरे तो लाइजोल फिनाइल वगैरह चप्पल तक ले गए थे चोर वो भी नहीं छोड़े। क्या नाम आपका? मेरा उषा देवी शर्मा।